नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आए हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिसके लिए आपकी आंखें तरस गई थी कि ये चीज़ हमें कब मिलेगी, तो दोस्तों अब आपके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो चीज़ अब आपको मिलने ही वाली है। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब ऐसा है कि आपके जीवन काल में जो आने वाले अगले 3 दिन हैं, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। दोस्तों हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जब भी ईश्वर अपने भक्त के जीवन काल में चमत्कार करते हैं, तो दोस्तों उनके जीवन काल के सारी बातों को देखते हैं कि उसने किस तरह के कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, और कौन से कार्य उनके लिए सही थे, कौन से कार्य उनके लिए गलत थे। और पिछले कई समय से आप अपने जीवन काल में लगातार मेहनत पर मेहनत, यकीन पर यकीन और भगवान पर विश्वास करते आए हैं। और दोस्तों भगवान जब भी देते हैं ठीक समय पर ही देते हैं। आपको ऐसा लगता भी होगा कि मैं कब से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर भगवान आपके सब्र का, आपके इम्तिहान का फल देने वाले हैं। तो दोस्तों आप ऐसे में वीडियो को मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो पूरी तरह ग्रह गोचर पर बनाया गया है। अगर आपने इसे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जान पाएंगे कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी ही खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपकी ये जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों जय शिव शंकर बड़े ही भोले हैं, वो आपके सिर्फ एकमात्र लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सोमवार के दिन दोस्तों इतना कार्य ज़रूर करिए कि भगवान शिव शंकर को एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जीवन में एक नई आशा की किरण जाग उठेगी, और ये वीडियो बिल्कुल 100% सत्य है और आपके जीवन के लिए बड़ी ही सटीक बैठने वाली है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूर्णतः ज़रूर देखिए। साथ ही दोस्तों आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त एक बार फिर से सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय भोलेनाथ, जय माता दी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके अगले 3 दिनों में आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे को देख करके ये बोलते हैं कि ये चीज़ उसके पास है लेकिन मेरे पास में क्यों नहीं। पर दोस्तों आपको बता दें कि आपके ही घर के लोग आपकी बर्बादी के लिए खड़े हुए हैं। आप हमेशा उनके अच्छे के लिए खड़े रहते हैं लेकिन वो आपको पीछे धकेलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें जीवन व्यवसाय में भी थोड़ी मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं, लेकिन आपको जल्दी ही इससे छुटकारा मिलने वाला है। ऑफिस में अधिकारियों के साथ में भी अच्छे संबंध रह सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सेहत के बारे में। त्वचा से संबंधित कोई समस्याएं रह सकती हैं। दूषित पानी व वातावरण से आपको दूर रहना होगा। आपकी ऊर्जा आपको काफ़ी उत्साहित मनोवृत्ति में भी रख सकती है। आप पिछले कुछ समय से व्यायाम का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे और दोस्तों इसी कारण काफ़ी बेचैन भी महसूस कर रहे थे। आज के दिन दोस्तों वही सब शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। आप स्वास्थ्य को अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना चाहते हैं और आप आज इसके लिए प्रयास शुरू कर सकते हैं। व्यायाम करते हुए सही तरीके का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो दोस्तों आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है। व्यवसाय में अनुकूल परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस समय दोस्तों कमीशन संबंधी व्यवसाय आपके सफल रहने वाले हैं। हालांकि किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया दोस्तों आप सभी को परेशान कहीं ना कहीं कर सकता है, और ऑफिस में टीम वर्क करने से बेहतर परिणाम भी मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों में दोस्तों आपसी सामंजस्य मधुर बना रहने वाला है, और दोस्तों वास्तु परंतु दोस्तों संबंधों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इनका नकारात्मक प्रभाव आपके घर के व्यवस्था पर कहीं ना कहीं पड़ सकता है। वर्तमान वातावरण से दोस्तों आपको अपना बचाव रखना है। मौसमी परेशानियों जैसी खांसी, जुकाम आदि आपको परेशान कर सकता है।
आयुर्वेदिक का दोस्तों इस्तेमाल आप अवश्य ही कर सकते हैं। बढ़ रहे बीमारियां दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से मुश्किल समय है, और इसके साथ ही दोस्तों पारिवारिक व्यवस्था में आपका बेहतरीन योगदान रहने वाला है और आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। आपको बता दें कि ये समय किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भावधारी रहेगी, इसलिए दोस्तों इस समय उनकी किसी भी बात को जो है किसी भी बात की अवहेलना ना करें। महिलाओं के लिए जो दिन होगा वो उत्तम और लाभदायक दिन होंगे दोस्तों। हर परिस्थिति में उन्हें सामना करने की हिम्मत और साहस भी इस समय प्रदान करेगा दोस्तों। साथ ही कभी कभी कुछ संबंधियों के प्रति नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं, परंतु दोस्तों इस समय जो है मन स्थिति पे काबू रखें तथा संबंधों को खराब होने से बचाएं दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और आपको बता देते हैं कि आपको मिल रहे पैसे का निवेश करने की आपकी योजना और बेहतर बनाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी, जिसके द्वारा भविष्य में आपको बड़ा फायदा भी इस समय देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में खुशी या फिर गम दोनों मिल सकते हैं। नौकरी में कोई कार्य की नाराजगी सामने आ सकती है दोस्तों, अचानक से पूंजी कोई लगा सकते हैं। और दोस्तों आज के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लाभदायक भी है इसे दोस्तों। यात्रा संबंधित प्रोग्राम बन सकते हैं और फाइनेंस संबंधित कार्य भी किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आर्थिक कसाकस बनी रहेगी, दोपहर बाद अचानक ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और दोस्तों आपको कोई बेहतरीन ऑर्डर भी मिल सकता है दोस्तों। बिजनेस के नज़रिए से ये दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, किसी खास इंसान की मदद से आपकी किस्मत चमक सकती है। और थोड़ी ऊर्जा और जोश के साथ में आप अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहें। इसके साथ ही दोस्तों आपको भगवान की कृपा से अच्छे लाभ होने की प्राप्ति है और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और कई उन्नतियां भी हासिल होने वाली हैं दोस्तों। इस देवी माँ के शुभ कदम आपके घर में पड़ते ही आपके जीवन काल में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे दोस्तों। वो कोई और देवी नहीं, वो देवी हैं माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों उनका स्वागत करने के लिए आप तैयार रहिएगा, जरूर से ज्यादा सीधे मत बनिएगा, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। जीवन की चुनौती चाहे कैसी भी हो, आप दोनों मिलकर अपने प्रेमी के संग सामना उसका करेंगे तो जीत आप ही की होगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, दिन की शुरुआत थोड़ी सी उलझन से हो सकती है। आपको कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आपके बचाव में आ सकता है और आपका मार्गदर्शन करेगा दोस्तों। आप उसकी नेक सलाह मान सकते हैं, किसी तीर्थ की यात्रा भी दोस्तों कर सकते हैं। दोपहर के बाद में दिन अच्छा गुजरेगा और दोस्तों के साथ में समय बीतेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके लव लाइफ के बारे में, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे और दोस्तों आपके करीबी संबंधों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खासियत रहने वाला है। और दोस्तों आप खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगे। इस खूबसूरत समय पर आपको अपने पार्टनर के साथ में बिताना है और कुछ खूबसूरत यादें बनने वाली हैं। आप आज अपने पार्टनर के लिए दोस्तों कुछ खास कर सकते हैं और उसकी खूब प्रशंसा भी होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।